विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर और पार्षदों ने पौधारोपण किया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दुर्ग निगम द्वारा दुर्ग के पोटिया चौक स्थित अमृत मिशन गार्डन में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर और पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा सहित भाजपा पार्षद अजय वर्मा और वार्ड के नागरिक शामिल हुए। नगर में इतना लगा रहे हैं, मतलब जिंदा सब रहे ये मार्ग कितने संख्या है पेड़ पर ही मेरा मेरा नेताजी ये टाइम को ना बाजू ट्रांसफर करा देने 15 अगस्त में सब पक्षी जान गए महाराज ने कर वो देखो। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने पूरे शहर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं के साथ शहर को हरा भरा रखने, प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करने की ओर कदम बढ़ाने की अपील की। साथ ही कहा कि पर्यावरण प्रकृति से प्राप्त एक अनमोल धरोहर है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शहर के पेड़ पौधों को सुरक्षित कर शहर को हरा भरा बनाएं। इसी कड़ी में आज पोटिया चौक स्थित अमृत मिशन गार्डन के किनारे पौधारोपण किया गया है। इस मौके पर विधायक गजेंद्र यादव एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए पौधारोपण जरूरी है। जितने अधिक पौधे लगाए जाएंगे उतना ही पर्यावरण अच्छा रहेगा। आज लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है, इससे बचने का एक ही रास्ता अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इसी कड़ी में गार्डन में छायादार के साथ फलदार पौधे लगाए गए हैं। विधायक और महापौर ने भी बताया कि पर्यावरण दिवस के मौके पर हमने शहर वासियों को जन जागरूकता के तहत पोटिया चौक स्थित अमृत मिशन गार्डन में कदम व बादाम के पेड़ समेत अन्य पेड़ लगाए हैं। इस दौरान निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कहा कि शहर के अन्य रिक्त जगहों में पौधा लगाकर पौधारोपण किया जाएगा तथा लगाए गए पौधे छायादार और फलदार पौधों को, जिसमें बादाम एवं कदम के पेड़ शामिल है, उन्हें सुरक्षित भी रखा जाएगा। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुर्ग शहरवासियों को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख रहे हैं जिस प्रकार से दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, तो प्रकृति हम सबको ये संकेत दे रही है कि प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक साधनों का सुरक्षा करना ये हम सबका दायित्व है। पर्यावरण दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन पर हम सभी को अपने प्राकृतिक संसाधनों को की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए और ये संकल्प भी लेना चाहिए कि आज सुबह हम लोग पोटिया गार्डन में हम लोगों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और उसके बाद जो पिछले साल हम लोगों ने जो वृक्षारोपण किया था शिवनाथ नदी इंटकवेल रोड में, उसको भी हम लोग देखने के गए, 280 पौधों का हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था। आज वो पूरे के पूरे सुरक्षित हैं और बड़े हो गए, तो हमको उसको लगाने के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी हम लोगों को लेना चाहिए। और आज जब पोटिया चौक में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पोटिया चौक में वृक्षारोपण किया, साथ में हमारे दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी थे, कमिश्नर लोकेश चंद्राकर जी थे, पर्यावरण प्रभारी हमारी सत्यवती वर्मा जी थे, थी अजय वर्मा जी थे नेता प्रतिपक्ष, और सब ने हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और प्रकृति की रक्षा में आवश्यक कदम उठाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।